तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जयस्तम चौराहा से, जहां एक बार फिर बीच शहर में वाइकर्स गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने थोक व्यापारी से तकरीबन 1,00,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए हैं। यह पूरी घटना बदमाशों ने व्यापारी के आंख में मिर्च पाउडर डालकर अंजाम दिया है। बताया गया है कि सतना कृष्णा नगर में संजय इलेक्ट्रॉनिक नाम से दुकान संचालित करने वाले सिंधी कॉलोनी निवासी संजय बाधवानी से यह लूट की वारदात हुई है। बताया गया है कि संजय थोक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं, जिनके द्वारा रीवा शहर के छोटे व्यापारियों को सामान दिया जाता है और इन्हीं से वसूली कर वह वेंकट मार्ग से पैदल चलकर जयस्तम चौराहा पहुंचे थे, जहां से उन्हें सतना के लिए बस में बैठना था। इसके पहले बाइक में सवार 3 की संख्या में बदमाश पहुंचे और आंख में मिर्च पाउडर डालकर रुपयों से भरा बैग लेकर छीन के फरार हो गए हैं। बताया गया है कि बदमाश 3 की संख्या में थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सतना के इलेक्ट्रॉनिक थोक व्यापारी संजय बाधवानी से रीवा शहर के जयस्तम चौराहे में लूट की बड़ी वारदात हुई है। बीती रात्रि तकरीबन 10 बजे की यह घटना बताई जा रही है। बताया गया है कि घटना के दौरान संजय बाधवानी जयस्तम चौराहे में बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान बाइक में सवार होकर आए 3 की संख्या में बदमाशों ने उनकी आंख में मिर्च पाउडर डाला और रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। संजय के मुताबिक बैग में 1,00,000 रुपए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। संजय कुमार वाधवानी, ये कहाँ घटना हुई, क्या घटना हुई आपकी? ये जयस्तम चौक के वही तिगड्डे में ही, चौराहे में ही। क्या कैसे पूरा हम यहाँ पे आए थे रीवा कलेक्शन में, और रीवा कलेक्शन करके और यहाँ पे जयस्तम चौक में रुके बस के इंतजार के लिए सपना जाने के लिए। तो 3 सवार बाइक से आए और वहीं बाइक थोड़ा सा आगे रोक के, और मेरे को 2 लोग आए, एक बाइक में ही था, 2 लोग सामने आए और मेरे से बैग मांगने लगे, छीना छपटी करने लगे, बैग छीनने लगे। और इतने में उन्होंने मिर्ची मसाला पाउडर निकाला और मेरे पूरे शरीर में, बदन में डाल दिया और बैग छीन के भागने लगे। और मैंने भी काफ़ी छीना छपटी की, उनका पीछा भी किया और बद्दी मेरे हाथ में आ गई, बैग वो लेके और बाइक में तीनों लोग फिर भाग गए। कितना पैसा रहा वो? लगभग अप्रोक्स अब 70 के आसपास था, मान लीजिए। बंदूक भी दिखाई? हाँ, उनके पास एक्चुअली कट्टा भी था, हाँ, वो भी लहराते हुए। ये तरफ से आए थे? ये भी उसी तरफ से आए थे, चौराहे तरफ से, आपके वेंकट रोड तरफ से, वहीं से आए थे। इलेक्ट्रिकल का सतना में है? सतना में, जी जी, थोक व्यापार है सतना में बिजली का। तो यहाँ के कुछ दुकानदारों को हमारा माल आता है रीवा में, और उनको माल देके और अपन जो है वसूली करने, कलेक्शन करने, ऑर्डर लेने आते हैं हर हफ्ते में, वीकली आते हैं हर हफ्ते। FIR हो गई? अच्छा, हाँ, वहाँ पे चौराहे में लगे हुए हैं कैमरे, उन्होंने देखा, दिखाया भी, मतलब तो उसमें दिख रहे हैं, मतलब पूरा, मतलब घटनाक्रम, हाँ, पूरी सीसीटीवी में आ गया है, पूरी घटना आ गई है उसमें। अच्छा, नकाब थे या नहीं? नहीं, नॉर्मल, बिना नकाब के थे, और 3 लोग थे, अपाचे मोटरसाइकिल से थे, काले कलर की मोटरसाइकिल थी बिना नंबर की, और टी शर्ट और जीन्स पहने थे, 20-22 साल करीब के थे लड़के। कितना